और जो जूने साधक है उनको गहरी अनुभूति आएगी। तो मैं ऐसे ही जूने साधक को यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ, सिमरन बाधवा और रमेश बाधवा जी, दोनों आ जाए यहाँ पे। हमारे योग के जूने साधक हैं, हमारे टीचर्स हैं योग की संस्था के, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बेटे के साथ आए हैं इस कोर्स को करने, तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हेलो, पहले तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पी जी सहर जी ने जिन्होंने ये बुक लिखी है जो हम तक मिली है। उसके अलावा हमारे गुरुजी डॉक्टर जे पी रामनानी जिनसे मैंने योग का जो भी आज हम हैं, मैं ऐसे सिचुएशन में थे 2018 में जब भी बैलेंस नहीं था लाइफ में, तो हमें माध्यम मिला गुरुजी का जिन्होंने योग सिखाया, हम टीचर बने और दूसरों को सिखाते थे टाउन हॉल में। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई 2018 में। जब भी सर जैन योगा के बारे में बात करते थे तो लगता था जैन योगा ठीक है, पहले ये जो सीखा है उसको करें, अच्छे से करें, ऐसे जैसे बुक में लिखा था। कोई कोई सोचते थे परफेक्ट होने के बाद करेंगे, वो मैं हूँ, पहले सोचती थी मैं परफेक्ट होने के बाद। पर एक जिस किताब में भी लिखा हुआ है ना, जो इसको श्रद्धा पूर्वक रखेगा तो उसके फायदे। तो सर ने ही हमें ये गिफ्ट दिया था, पहले इंग्लिश में दिया था फिर हिंदी में दिया था। तो मन में उत्सुक था जाकी कि इंग्लिश का कुछ पढ़ते हैं, पर कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, रख दिया, अच्छे से रखा। फिर हिंदी का मिला, वो भी पढ़ने की कोशिश की। तो जैसे पढ़े, इतने भले बोलते हैं सरल है, लेकिन सरल नहीं था, पढ़ते थे तो थोड़ा नींद आती थी। फिर ठीक है, फिर सर ने 2019 में टाउन हॉल में लेक्चर्स दिए थे जैन योगा पे ही, वो अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मन में नहीं था ना। फिर उसके बाद सर ने बेसमेंट में अपने क्लिनिक के बेसमेंट में कोरोना के पीरियड में लास्ट टाइम लिए थे लेक्चर्स शाम को, वो भी अटेंड नहीं हुए क्योंकि मन में नहीं था। जब दिसंबर में ये आश्रम बना तभी हम यहाँ पे आए थे इनॉग्रेशन पे, तो एक तभी बुक था मेरे घर पे, तो एक उत्सुकता जागी। और सर को जब मैं मिली तो बोला सर आशीर्वाद दीजिए कि हम भी इधर आए, वो मेरे मुँह से निकला था भाई हम इधर आए। तो ठीक है, जनवरी में फर्स्ट बैच स्टार्ट हुई, तो मैं समापन समारोह जो होता था ना सबका एक्सपीरियंस सुनती थी लाइव। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं बहुत ही उनका तहे दिल से शुक्रिया, जो इंटरनेट के माध्यम से हमको ये सब दे रहे हैं तो हम घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो वो सुना तो उत्सुकता और जागी। जैसे मनोज जी, भरत जी और उनकी वाइफ लक्ष्मी गरीरा, उनसे तो मैं बार बार जब भी मिलती थी, अभी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये कैसे होता है, क्योंकि वो मैं सुनती थी। लेकिन कभी था नहीं कि मैं इतनी जल्दी ये अटेंड कर पाऊंगी। वो क्यों था, क्योंकि जैसे सर ने बोला समय निर्धारित होता है, तो वो शायद समय हमारा निर्धारित था ये टाइम, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बिजी रहते हैं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं उसको छोड़ नहीं पाई 8 दिन के लिए। तो पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई थी यहाँ पे मई में, 8 मई से 16 मई को गई, 8 दिन का शिविर होगा, तो मेरे मन में जागा ठीक है एक बार पूछ के देखती हूँ हस्बैंड से कि क्या हम ये अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि अब भी लॉकडाउन है, आपका तो शॉप भी बंद है, ठीक है, तो शॉप बंद है तो इसका फायदा उठा सकते हैं, वैसे घूमने जाते हैं ना 8 दिन या 5 दिन कहीं पे भी, तो ये क्यों ना अटेंड करें। बस तैयारी थी फ्राइडे तक, सैटरडे को, फ्राइडे सुबह को मनोज जी का फोन आया कैंसिल हो गया, ठीक है। एक थोड़ा सा दुख हुआ मन में, फिर हुआ ठीक है इसमें भी बहुत अच्छा होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही लिखी होगी कि 8 दिन का वो कैंसिल हो गया। फिर ये 2 दिन का, फिर तो खुशी का ठिकाना नहीं था, चलो 8 दिन का कंपनसेशन हो गया 2 दिन में। तो लेकिन ये 2 दिन में जो ज्ञान मिला है उसको बस ये अभी मैं समझ पाई हूँ कि मैं कभी भी कोई भी एम रखती थी तो मेरा सक्सेस क्यों नहीं जाता था। अब उसका मिला कि हमारे IEM सेंटर्स प्रॉपर नहीं है, तभी हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो बस शुक्रगुजार हूँ मैं तो अपने गुरुजी का जिन्होंने पहले भी मुझे योग के माध्यम से संभाला था, अब तो जैन योगा के माध्यम से संभाल रहे हैं। और ये जो 2 दिन थे, पहले थोड़ा कल हैटिक लगा, वो मैंने मनोज जी से भी बात की थी, हैटिक लग रहा है मेरे को, लेकिन फिर बाद में जैसे अभी शेयर किया कि म्यूजिक के माध्यम से थोड़ा बैलेंस हो रहा था। तो सर का लेक्चर ऐसा कोई भी नहीं होता है जिसमें हम भाई हाँ नींद आ रही थी एक में मेरे को, मैं बोल रही बोलूंगी थोड़ा कहीं कहीं में था, लेकिन वापस सर हमको वापस वो बूस्ट कर रहे थे कि आप जागो। और ये पॉइंट जो है मेन, वो लगभग सर ने अटेंड किया। उसके बाद अब अभी हमारा काम है इसको पढ़ना, जो मैं
जल्दी में नहीं डिसीजन लूंगी, जैसे सर ने बोला जल्दी करके डिसीजन नहीं लेना है, तो आराम आराम से हम टपे टपे में इसकी शुरुआत करना जरूर चाहूंगी मैं। थैंक यू सो मच। से थॉट्स दोनों के मोर ऑर लेस सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा वेरिएशन नहीं है, डिफरेंशिएट भी नहीं है, मोर ऑर लेस सेम ही है। तो जो इन्होंने कहा सफिशिएंट, बट हाँ इतनी बात है इन्होंने जो समझा लेक्चर मेरे से कई ज्यादा, मेरे यहाँ पे 25% ही गया। गुरुजी बताते थे जब टाउन हॉल में हम कोर्स करते थे ना, गुरुजी टीचर का तीन टाइप की कुछ बुद्धि रहती है, तो मैं थोड़ा लास्ट वाला हूँ, लास्ट बेंचर, तो पर ठीक है मैं ट्विटर अपॉइंट कर लूंगा, घर पे ही है, हो जाएगा मेरा काम, ट्विटर है ना, डजंट मैटर, मेरे लिए आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। एनीवे धन्यवाद सबका और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सिद्धन जी और माधव जी, रमेश जी, दोनों हमारे सीनियर शिक्षक हैं।